आजकल हर किसी के मन में ये रहता है कि ऑनलाइन अर्निंग किस तरीके से स्टार्ट की जाए, और आप सभी के मन में भी कभी ना कभी आया होगा कि लोग इतना पैसा बना रहे हैं, इतना नाम कमा रहे हैं, वो किस तरीके से कमा रहे हैं ऑनलाइन आके। ऑनलाइन के कितने सारे रास्ते हैं जिनके थ्रू हम जा सकते हैं और एक अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं और अपनी एक ब्रांड भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ रास्तों की बात करूंगा, और इस वीडियो में ही नहीं आगे हम लेके आने वाले हैं आपके लिए एक पूरा कंप्लीट सीरीज, जिसमें हम बहुत सारे रास्ते खोलेंगे कि किस तरीके से आप अपनी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, कितने सारे रास्ते हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए, और उन रास्ते को हम वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप इस सीरीज में डिस्क्राइब करेंगे और आपको प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करें। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश शुक्ला और आप देख रहे हैं जुगनू सक्सेस चैनल। यहाँ पर आपको मिलते हैं बिजनेस और टेक्निकल से रिलेटेड कुछ वीडियो, बिजनेस टिप्स। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज इस सीरीज का ये पहला एपिसोड है, पहला वीडियो है, और इसमें हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे और जानेंगे कि कौन से वो रास्ते हैं जिनसे हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। वो सारे रास्तों के बारे में आज हम बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम एक एक रास्ते को खोलते जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले वीडियो की। तो ये हमारी फुल सीरीज होने वाली है और इसमें हम वन बाई वन करके आपको सारे ऑनलाइन के रास्ते बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी भी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस सीरीज का जो नाम है वो है हाउ मेनी वे टू मेक मनी ऑनलाइन। इसके कितने रास्ते हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए। सबसे पहले आती है आपकी ई बुक सेलिंग। ई बुक सेलिंग क्या होती है कि आपका एक ऐसा कंटेंट आप जो आपने राइट किया हुआ है या आपने कहीं से रीसेल परचेज के लिए राइट किया हुआ है, आप उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। उसको हम कैसे सेल करेंगे ये हम आने वाले अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ये केवल एक आपको मैं एक रास्ता बता रहा हूँ कि आपका एक ये रास्ता हो सकता है ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करने का ई बुक सेलिंग। सेकेंड है आपका यूट्यूब चैनल। आपको पता ही है यूट्यूब के माध्यम से लोग अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, अपनी ब्रांड भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं और बहुत सारे रास्ते भी ओपन हो जाते हैं अगर आप अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। तो आने वाली सीरीज में हम यूट्यूब की कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, इसलिए ये आपके लिए सीरीज फुल वॉच करना और ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है कि इसमें से ना जाने कौन सा रास्ता आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो जाए। क्योंकि आप, मैं जानता हूँ कि हर कोई हर चीज़ नहीं करता है, लेकिन आप में से कोई ना कोई किसी ना किसी रास्ते को बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। हाँ, आपको कुछ तो मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ करने के लिए ही, पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। सेकंड है आपका व्लॉग्स। आने वाले वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आप अपना ब्लॉग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। आप हिंदी में राइट कर सकते हैं, इंग्लिश में राइट कर सकते हैं, चाहे आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है या नहीं आती है, उसके बाद में भी आप एक अच्छा ब्लॉग राइट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे है हमारा डोमेन रीसेलिंग। तो इसकी भी हम बात करेंगे कि क्या डोमेन्स होते हैं और उसको हम रीसेल कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से अपना पैसा बना सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे है हमारा कंटेंट राइटिंग। क्या होती है कंटेंट राइटिंग, इसके बारे में बात करेंगे और किस तरीके से राइट किया जाता है। चैट जीपीटी के माध्यम से आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं और अपनी एक ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ है वीडियो एडिटिंग। इसकी स्किल भी आप डेवलप कर सकते हैं और आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉय हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ में अपनी एक ये एक्स्ट्रा स्किल भी
डेवलप कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप कुछ ना कुछ पैसा जरूर बना सकते हैं। सेवंथ है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग किस तरीके से की जाती है, इसका हम कंप्लीट वीडियो आपको आने वाली सीरीज में प्रोवाइड करेंगे। एट है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा भी कितने ही लोग कितना पैसा बना रहे हैं। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता है जिसको आपको एक बार बिल्ड करना होता है, उसके बाद में आपको कुछ ना कुछ अर्निंग, वो भी पैसिव अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है। नाइन्थ है ऑनलाइन सर्वे एंड रिव्यूज। इसकी भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सर्वे दे के, रिव्यूज दे के आप पैसा बना सकते हैं। टेंथ नंबर पे हमारा ऑनलाइन भी है, वो है रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज। आप में कोई स्किल है और आप अपने घर बैठ के भी रिमोट सपोर्ट दे के किस तरीके से पैसा बना सकते हैं, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और आप अपने सर्विस के चार्जेस ले सकते हैं। तो ये भी कुछ रास्ते हैं जिससे हम क्या ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करके और कुछ पार्ट टाइम अर्न या फिर पूरा समय देते हैं तो फुल टाइम अर्निंग भी कर सकते हैं। 11 नंबर पे है स्टॉक फोटोग्राफी। आपको अगर फोटोग्राफी का शौक है, फोटो लेने का शौक है, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी एक पैसा बनाने का माध्यम बन सकता है। 12th है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होते हैं एक्चुअली, अगर किसी को किसी रिमोटली कोई दूसरी जगह पर बैठा हुआ है और आप उसको वर्चुअली असिस्ट करते हैं, मान लीजिए उसके लिए आप मेल लिखते हैं या उसके लिए आप सोशल मीडिया की पोस्ट लिखते हैं, उसको आप वर्चुअली असिस्ट करते हैं, आप उसका रिमोटली एक्सेस लेने के बाद असिस्ट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं किसी भी व्यक्ति की, तो वो आपको वर्चुअल असिस्टेंट के अंतर्गत आता है। और इसको इसका भी एक बिजनेस मॉडल है कंप्लीट, जो कई लोग इसको कर रहे हैं। 13 नंबर पे है ड्रॉप शिपिंग। ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है, ये इंडिया में और इंडिया से बाहर भी बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं और एक अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। 14 नंबर पर है आपका ऑनलाइन कोर्सेस एंड वेबिनार्स। ये आजकल बहुत ज़्यादा जो है फ्लो में है ये बिजनेस। कितने ही लोग इस ऑनलाइन बिजनेस को लेके आए हैं, अपने वीडियोस में वीडियो कोर्सेस बना के या फिर ई बुक्स बना के और ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और एक अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। ये बनाने के लिए आपको वन टाइम मेहनत लगती है, लेकिन उसके बाद में आपकी एक पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, फिर आपको एक्टिवली उसको देखना नहीं होता। ये वन टाइम मेहनत होती है, एक बार की स्केल भी कर सकते हैं और एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर पर है आपकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ये एक्चुअली इस बिजनेस को आप बिजनेस के लिए कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, उनके पास में अगर टीम नहीं है तो आप उनके लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं और उनके कंटेंट्स को राइट कर सकते हैं, तो ये भी एक अलग से बिजनेस मॉडल है। इसके बाद है आपका 16 नंबर पे ई कॉमर्स एंड शॉपिफाई। ई कॉमर्स का आपको पता ही है कितना बिजनेस है और ये किस तरीके से आजकल बूस्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। इसको भी आप एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करके और बहुत ही आसानी से आप इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। 17th है ये आपका वर्चुअल इवेंट एंड कॉन्फ्रेंस। इसमें रहता है कि आप लोगों के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको बताते हैं कि आपका कोई भी इवेंट आने वाला है, आप किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या उसके चार्जेस रहेंगे, वो आप लेते हैं और आपका एक बिजनेस मॉडल तैयार हो जाता है। लास्ट है आपका रिमोट ग्राफिक डिजाइनिंग। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, अगर आपके पास में ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है तो आप इसको भी कर सकते हैं। लोगों के लिए ग्राफिक डिजाइन यानी कि सोशल मीडिया पोस्टेज, ग्राफिक्स, बैनर, लोगो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिजनेस में लगने वाली, वो सारी चीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ मैंने 18th बिजनेस मॉडल निकाले हैं जो ऑनलाइन बहुत ही आसानी से स्टार्ट किए जा सकते हैं। ये सारे मॉडल की
आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको वन बाई वन करके बताऊंगा और उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखाऊंगा, जिससे आप अपना कोई भी एक बिजनेस उठा के स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर इसको वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये सीरीज आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।